तो जब आप जम्मू पहुंचते हो तो अगर बारिश पड़ गई, पसी आई तो 2 दिन, अगर आप जम्मू से बाहर गए, कोविड आ गया तो आपको रूम करना पड़ेगा, तो आपको 4-5 दिन लगते हैं रूम में। लेकिन एक बंदा है जो खाली 100 रुपये में बम्बई पहुंच सकता है, उसमें इतनी क्षमता मैंने देखी यार, आई हैव नो वर्ड्स। अगर कश्मीर का कोई भी देखेगा ना मुझे 100 रुपये में बम्बई पहुंचे, मैं नहीं मानूंगा। अगर वो ट्रक में भी जाएगा बम्बई तक, मिनिमम 2000 बीच में लगेगा, चाय खाना वगैरह वगैरह। लेकिन एक बंदा है जो कि खाली 100 रुपये में बम्बई पहुंचेगा, वर्णाले, हम सबके भाईजान, सबके सुल्तान, डॉक्टर सहल। सहल अभी हंस रहे, मुस्कुरा रहे, सहल से थोड़ा इंट्रोडक्शन क्या जाएगा। सहल साहब, सहल साहब, लोग आपके बारे में ये बोल रहे हैं कि आप 100 रुपये में बम्बई पहुंच जाओगे, ये कैसा तजुर्बा है आपको? अगर बीच में पसी आएगी, आगे कोविड का मसला होगा, तब भी आप 100 रुपये में पहुंचेंगे? मिनिमम अगर एक इंसान की खर्चा देखेंगे 1000 में पहुंचेंगे, इसमें ये क्या है आपका राज? इसमें जादू है। अरे जादू है, लेकिन इससे जादू अगर आप बीच में चाय पियोगे, खाना खाओगे, नहीं पियोगे। अच्छा चलो ठीक है यार, 2-3 दिन तक बम्बई पहुंच जाओगे, भूखा रहोगा चाय से गुजारा भी चाय से गुजारा करोगे। भाई साहब अगर आप चाय भी पियोगे तब भी आपको 1000 लगेगा? नहीं, उजैर साहब से हम मिलेंगे। उजैर साहब, इसका क्या रीजन है ये 100 रुपये में बम्बई पहुंचेगा? ये कुछ अजीब कारण है, कोविड का मसला है, पसिया भी आ सकती है, लेकिन ये बंदा 100 रुपये में कैसे पहुंचेगा? जहां तक मेरी राय है, ये 3500-3500 रुपये में घर से केला उठाएगा, वही बम्बई तक खाएगा। आपकी क्या? इसका टैलेंट है भाई का। अच्छा, शौक है इसको बचपन का। 100 रुपये में बम्बई पहुंचने का राज इसके आपने देखा, इसका यही जान सकता है भाई, खाली चढ़ेगा। तो सहल, ये जवाब आप बोलेंगे कि अगर किसी को पैसे नहीं होंगे तो वो 1000 रुपये में बम्बई पहुंच सकता है, आप 100 रुपये में बम्बई पहुंच, इसके बारे में आप बताइए। जाना होगा तो सहल भाई के साथ कांटेक्ट। सहल भाई, इसमें क्या क्या राज है? मैं भी किंग खान हूं। देखिए, मैंने कम खर्चा किया, मैंने आज जो मध्य प्रदेश, मेरे को कम खर्चा हुआ, लेकिन मैंने भी कम से कम, मेरे को 30,000 खर्च हो गए। ये भी हंस रहे सहल भाई, ये हमारी ट्रेन है, ये उजैर भाई है, ये उधर सोए हैं हमारे गुरुजी। सहल साहब अभी कुछ बात नहीं बना रहे, सहल साहब बहुत खुश है क्योंकि कल मैंने इसको बोला कि यार आप कुछ खाओगे, इसने बोला मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं बीमार हूँ। उसके बाद जब हमारे भाई ने खाना लाया तो उसने आधा, इसने बोला जरा इधर दिखाओ, तो इसने आधा उसमें खाया। अब मैंने लाया तो जब मैंने खत्म किया, मेरा को आधा चावल पड़ गया, इसने बोला खान खाएगा, मैंने बोला नहीं, चला इधर दे दे, तो इसने वो भी खा लिया। तो यार कितना फ्रेंडली आदमी है, डरता नहीं है, इसी का नाम है डॉक्टर सहल। डॉक्टर सहल, आप बॉलिंग में भी क्षमता रखते हो, बहुत से बॉलर बोलते हैं कि आप इन स्विंग और आउट स्विंग करते हैं, आपको क्या लगता है कि इस टूर में इमरान मलिक के बारे में आपकी क्या राय है? इमरान मलिक बहुत ही बढ़िया बॉलर है, लेकिन उसको कोऑपरेशन नहीं है, उसको जब ये मतलब कोई मशवरा का उसको पूछ रहे हैं कि क्या कर सकते हो आप, वो बोल रहा है कि एक दिन पहले बोल रहा है कि मैं ऐसे करूँगा, मतलब कि डेथ बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं बहुत ही अच्छी डेथ बॉलिंग भी कर रहा हूँ, और मैं वो क्या स्ट्राइक बॉलर भी हूँ, जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैं पहला ओवर डाल रहा हूँ वैसे मैं लास्ट भी डाल सकता हूँ। जब हमने बोला आप अच्छा आपके लिए अच्छा रहेगा, हमारे लिए मतलब यही अच्छा रहेगा कि आप डेथ ही बॉलिंग करेंगे, स्ट्राइक बॉलर तो हमारे पास होते हैं। तो उसने कहा कोई नहीं, जब हम कल मैदान में पहुँचे उस टाइम उसने बोला मैं स्ट्राइक ही में आउट स्विंग गेन कर रहा हूँ, और फिर वो मैं स्ट्राइक ही कर दूंगा, बस वही हो। नहीं नहीं, जब मैंने उससे बात की एज ए कैप्टन, मैं उसे उसके पास गया, मैंने बोला भाई आप कौन सा, आप कब बाल कर दो? उसने बोला मैं पहले भी करता हूँ, मैं डेथ भी करता हूँ, मैं बीच भी करता हूँ। तो क्या लगा आपको कि वो किस टाइप का बॉलर है? किसी मेरे ख्याल से वो बॉलर नहीं है। अच्छा, शुपियन और पुलवामा से कौन आपको अच्छा बैट्समैन लगा? उसमें पहले मैंने, मुझे वो बहुत 2-3-4 अच्छे लगे, वो एक ही आपको चुनना है शाह, ये भी क्या दानिश भी मुझे लगा अच्छा, और आदिल ने भी थोड़े कुछ शॉट अच्छे खेले थे। बॉलर में कौन आपको लगा? बॉलर तो पाने उनमें ओ विकी चढ़ा। अच्छा, ये जो ऊपर है ना सबजार भाई, इसकी बॉलिंग के बारे में आपके क्या बारे? क्लियर, बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है, बढ़िया। इसने नेट में बहुत ज्यादा पेस की डंडे निकाले, उसके बारे में भी क्या रहा है? अच्छा, आप फाइनल में इस सवाल का जवाब दे दो कि 100 रुपये में ये बम्बई का राज ये, यार ये तो बताओ यार, किसी को अगर बेचारे को प्रॉब्लम हो, वो कांटेक्ट नंबर पाएगा फिर बता देंगे, मैं बताऊंगा। आप करोगे, आप 35-35 रुपये में केला लाओगे और ड्यू लाओगे, और वो क्या करोगे, वो बीच में खाओगे, उसमें यहाँ पे पहुंचोगे की तरह केले खाएगा। ट्रेन है और ये किंग खा